बीजापुर के तारीखी जामिया मस्जिद मोहल्ले में कांग्रेस की ओर से हमीद मुशरफ जी के नेतृत्व में जो है एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं ने हिस्सा लिया। आइए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता हमीद मुशरफ जी। सर, इस बाइक रैली से क्या मैसेज देना चाहें? हमें बीजापुर जिले में सबको कल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कड़कड़ी कर रहे हैं। कल हमारे एमपी कैंडिडेट राजू आलगुर साहब नामिनेशन भर रहे हैं। कल सुबह 10 बजे सिद्धेश्वर गुड़ी से डीसी ऑफिस तक रैली है। सब भी आवकर को हमें उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कल तमाम लोगों को, बीजापुर जिले वालों को और पूरा हमें सिटी में बाइक रैली में फिर को सबको घर घर जाको, दुकान जाको, आवकर को उनको रिक्वेस्ट करके बुला रहे हैं। कांग्रेस अभ्यर्थी की जीतने की क्योंकि उम्मीद है बीजापुर की? सौ को सौ है जी। कांग्रेस का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिले का, जो 5 गारंटी है राज्य की, इसका फायदा सीधे सीधे लोकसभा में होगा? लोकसभा में सौ को सौ होता है जी, क्योंकि तो ये 5 गारंटी हमारे ग्रह लक्ष्मी, ग्रह ज्योति, शक्ति, ये तो 5 गारंटी दिए। आप फिर एक बार हमारे राहुल गांधी साहब, प्रियंका गांधी और हमारे खरगे साहब सब भी मिला को एक औरत को 1 लाख रुपए देते हूँ जी, ग्रेजुएट वाले को भी देते हूँ कहे, और ऐसा रहता का साल मना करता हूँ कहे। अभी तक 10 बरस में बीजेपी गवर्नमेंट करी नहीं, खाली उन्होंने झूठ बोले। हमें रहता साल मना करते हैं, 15 लाख बाते हैं, 2 करोड़ नौकरी देते हैं। क्या डीजल का भाव है, क्या सिलेंडर का है, क्या अनाज का है, इसके वास्ते हमारी सरकार जिस दिन बैठती है उस दिन से सब धाम कम करते कर पा। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि जो गारंटी कार्ड लोकसभा के बाद नहीं चलेगा। सौ को सौ चलता है। हमारे सिद्धरामैया साहब 2013 से 2018 तक 160-165 गारंटी दिए थे, 158 गारंटी करे उन्होंने 5 बरस में। ये 5 बरस में 5 गारंटी तो उन्होंने चुन का ने इलेक्शन से पहला बोले थे, चुन काय के साथ 5 गारंटी हुई नहीं सक्सेस। ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि लोकसभा के बाद कांग्रेस की गारंटी राज्य में नहीं है। उनकी गारंटी नहीं है, आप उन्होंने गारंटी वो करतु करें। अभी तक 10 बरस तक केंद्र में सोए थे क्या उन्होंने? मोदी जी का नारा इस बार 400 पार, 100 पार नहीं होता उनका नारा, 100 पार नहीं होता उनका नारा। तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की इस बार काम आएगी? जरूर काम आएगी। थैंक यू। लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को यस्ट गेलुवुदु खच्चितवादि 100% 100% खच्चितद ना कांग्रेस गेलती अन्नो ಈಗ ಜನನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಕತ್ತಾರ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಜನನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಕತ್ತಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅದು ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ಜನಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅದ ಅನ್ನೋದು ಜನನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಕತ್ತಾರ ಮೋದಿ ಹವಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋದಿ ಬರೇ ಒಣ ಹವಾ ಐತೆ ಅವರು ಒಣ ಹವಾ ತೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಲಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 100% ಗೆಲ್ತೀವಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಸರ್ ಮರ್ದಬಾ ಭಾರತ ಕೆ ತಮಾಮ್ ಗರೀಬ್ ಅಮೀರ್ ಸಭಿ ಲೋಗೋನೆ 10 ಸಾಲ ಮೇ मोदी ने कितने वादे किए और कितने झूठे निकले बोलने का मालूम है। और श्रीमान राहुल गांधी जी ने पूरे भारत की यात्रा करकर लोगों में एक कांग्रेस का संकल्प जगाया है। इस बार किसी भी हालत में कांग्रेस की सरकार बनेगी और देश में शांति लाएगी। इस मरतबा तो बीजेपी और जेडीएस दोनों एक हुए हैं। जेडीएस का आप 2023 में हाल देखे हैं, इसीलिए वो जाकर बीजेपी में मिले हैं। बीजेपी का भी और जेडीएस का दोनों का हाल वही होगा जो 2023 में हुआ है। तो जामिया मस्जिद मोहल्ले से कांग्रेस की जो बाइक रैली है
वो अब अटावला चौक पहुंचे हैं और जामिया मस्जिद रोड के यहाँ पर जो युवा हैं, नेता हैं, सोशल वर्कर हैं, माजी कारपोरेटर हैं, हाली कारपोरेटर हैं, ये सब इस रैली में शरीक हैं और हमारे साथ जुड़े हैं सोशल वर्कर जमील बांगी साहब। सब क्या रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स कांग्रेस के लिए पूरे देश में बहुत अच्छा है। आने वाले 2024 के चुनाव के उम्मीदवार बीजापुर मिसल मत क्षेत्र के राजू अलगुर साहब कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। कल उनकी रैली का निकलने का है और सिद्धेश्वर गुड़ी से डीसी ऑफिस तक रैली है। इसी मौके पर हम बोलते हुए हमीद मुशरिफ के नेतृत्व में हकीम चौक, जुमा मस्जिद, मैतरमाल, अतौला सर्कल, बागलकोट सर्कल से होकर सीधा तकिया तक हम बोलते हुए जा रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता को जमाने की भरपूर कोशिश में इस मरतबा उम्मीद है, यकीन है कि कांग्रेस यकीन क्या 100% यकीन है कांग्रेस चुन के आएगी। इस बार राजू अलगुर साहब कैंडिडेट होंगे और कल रैली में भी एमबी पाटिल साहब, शिवानंद पाटिल साहब, सतीश जारकिहोली साहब सब मौजूद रहेंगे। मोदी की लहर है इस बार चौथा, कुछ मोदी की लहर नहीं चलने वाली। मोदी के जो ये है गारंटी, उसको वारंटी देने के लिए हम लोग भरपूर कोशिश में हैं।